नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। ज्योति मौर्या का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक ज्योति मौर्या पर एक कुछ इस तरीके के खुलासे हो रहे हैं कि लोग इन खुलासों को लेकर के अब अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और ज्योति मौर्या को लेकर के अब गुस्सा भी जाहिर हो रहा है। आखिर क्या है वो तमाम चीजें, कौन सी है वो लेटेस्ट अपडेट, आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि आगे चल करके अब ज्योति मौर्या के साथ क्या हो सकता है। बता दें कि हाल में ही खबर ये सामने आई कि ज्योति मौर्या को लेकर जो केस है वो आगे बढ़ सकता है। मनीष दुबे का जो सस्पेंशन लेटर है वो आ चुका है और अब मनीष दुबे पूरी तरीके से सस्पेंड हो चुके हैं। इसी सस्पेंशन को लेकर के चर्चाएं की जा रही थी क्योंकि ज्योति मौर्या का केस दोबारा से खुल चुका है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए देखिए हमारी सबसे पहले ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष दुबे सस्पेंड हो चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताते चले कि एसडीएम ज्योति मौर्या के मामले में मनीष दुबे फंसे थे, जहाँ एसडीएम ज्योति मौर्या की प्रेमी मनीष दुबे कहे जाते थे। अब महोबा में वो होमगार्ड के तौर पर तैनात थे। होमगार्ड कमांडर मनीष दुबे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डीजी होमगार्ड बीके मौर्या की सिफारिश पर मनीष दुबे को शासन ने सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, दुबे के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। दरअसल बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या ने मनीष दुबे के खिलाफ कई आरोप लगाए थे। डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज ने जांच के आदेश भी दिए हैं। इसके रिपोर्ट के बाद डीजी होमगार्ड ने दुबे को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। बताते चले कि ये 2 महीने तक डीजी होमगार्ड की सिफारिश की फाइल दबी थी। इस मामले में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बीते सप्ताह मनीष दुबे को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए। मंत्री के आदेश के बाद महोबा के होमगार्ड कमांडर मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। यानी कि अब सब कुछ साफ होगा कि क्या मनीष दुबे ने ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या की जान लेने के लिए कोई षड्यंत्र रचा था, किस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार किया जाता था। और यकीन है अब इसमें कहीं ना कहीं ज्योति मौर्या भी फंस सकती है। इस रिपोर्ट में आपने देखा कि आखिर सस्पेंशन का ये पूरा मामला क्या है और कैसे मनीष दुबे को उनके पद से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि मनीष दुबे पर कई जो आरोप थे वो आलोक मौर्या ने लगाए थे और यही आरोप अब आलोक मौर्या के लिए मुसीबत भी बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं मनीष दुबे और ज्योति मौर्या का। बताते चले कि मनीष दुबे के खिलाफ जो भी एफआईआर थी अब उसकी जांच की जा सकती है और साथ ही याद दिला दें कि मनीष दुबे के खिलाफ ये भी आरोप लगे थे कि मनीष ने आलोक मौर्या की जान लेने के लिए साजिशें रची हैं। इसी वजह से अब मनीष दुबे की उस साजिश का पर्दाफाश भी हो सकता है। इसके अलावा कहा तो ये भी गया था कि मनीष दुबे ने अपनी जो संपत्ति है वो ज़्यादा बनाई है, भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार के आरोपी भी वो बनाए गए थे। और साथ ही ये भी कहा गया था कि ज्योति मौर्या के साथ मनीष दुबे का भी हाथ था भ्रष्टाचार में। हालांकि आलोक मौर्या ने अपनी पत्नी के खिलाफ तो मामला वापस ले लिया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप तो मनीष दुबे पर भी लगे थे। अब देखना ये है कि इस पे जांच कहां तक जाती है, क्योंकि जांच शुरू हो चुकी है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे अब जांच में पूरी तरीके से फंस चुके हैं, लेकिन इसका क्या असर ज्योति मौर्या पर हो सकता है? अगर इसके बारे में बात करें तो हाँ, ज्योति मौर्या के मामले में भी इसका असर हो सकता है, क्योंकि ज्योति मौर्या के खिलाफ भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। भले ही मामला वापस ले लिया गया हो, भले ही आलोक मौर्या ने अपना फैसला बदल दिया हो, लेकिन खास बात तो ये है कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सरकार खुद से करवा सकती है, अधिकारी खुद से करवा सकते हैं, उनके लिए किसी भी आरोप की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अगर मनीष दुबे के खिलाफ कोई भी ऐसा
मामला निकलता है भ्रष्टाचार का, और उसमें कहीं ना कहीं अगर ज्योति मौर्य का साथ देने का मामला भी सामने आता है तो यकीनन ज्योति मौर्य के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया जाएगा, और ये सरकारी मामला ज्योति मौर्य के पीसीएस अधिकारी का जो पद है उसे वापस ले सकता है। बता दें बरेली में तैनात ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी के तौर पर इस वक्त काम कर रही हैं, और ज्योति मौर्य के खिलाफ अब केस जो है वो दोबारा शुरू हो चुका है, क्योंकि मनीष दुबे के साथ साथ कई बार कड़ियाँ ज्योति के साथ जुड़ी हैं और ज्योति मौर्य अब इस मामले में फंस सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इससे आलोक मौर्य को किस तरीके से दिक्कत होगी। बता दें कि अब मनीष दुबे की नौकरी तो चली गई है, ऐसे में मनीष दुबे अब कार्रवाई कर सकते हैं आलोक मौर्य के खिलाफ, क्योंकि आलोक मौर्य के खिलाफ तो जो आरोप है वो मनीष दुबे ने भी लगाए थे और साथ ही ज्योति मौर्य ने भी। आरोप ये थे कि घरेलू हिंसा मनीष दुबे करते, ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य करते हैं, ऐसे में घरेलू हिंसा के तौर पर ये जो पूरा मामला है वो खुल सकता है, और साथ ही मानहानि का मुकदमा भी यहाँ जो मनीष दुबे हैं वो डाल सकते हैं। यानी कि पूरे तरीके से केस अब ये थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि पिछले दिनों अचानक ही आलोक मौर्य ने ज्योति के खिलाफ मामला वापस ले लिया था, जिसके बाद उनसे कई बार सवाल पूछे गए कि आखिर ये केस वापस क्यों ले लिया। आलोक मौर्य ने इस केस को वापस लेने का केवल एक जो तर्क है वो दिया था कि वो अब इस केस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि ज्योति मौर्य इस पूरे मामले में फंस चुकी थी, लेकिन वो बच गई क्योंकि यूपी सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी कि वो मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के खिलाफ जाँच करवाएंगी, लेकिन जैसे ही आरोपों को वापस लिया गया वैसे ही जाँच खत्म हो गई, जाँच ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन ये मामला एक बार फिर से आग की तरह उबल रहा है। इसके साथ आपको बता दें कि कई और आरोप जो है वो लगाए गए थे आलोक दुबे पर, आलोक मौर्य पर जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप भी ज्योति मौर्य ने वापस ले लिए हैं। सवाल तो ज्योति मौर्य पर ये बनता है कि अगर आरोप वापस ले लिए हैं तो क्या ये समझ लिया जाए कि मनीष दुबे के साथ मिलकर के आलोक के खिलाफ कोई साजिश है वो चली गई थी। क्या सच में आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के साथ हिंसा की थी? क्या झूठे आरोप लगाए थे मनीष दुबे ने आलोक मौर्य के खिलाफ? क्या जान लेने की जो बात है जो बार बार कही जा रही थी कि साजिश रची जा रही है, क्या वो सच था? इस तरीके के आरोप कई बार उन पर लग चुके हैं। अब इन्हीं आरोपों की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से तैयार है और अब तैयारी कर रही है कि किस तरीके से ज्योति और मनीष दुबे को एक बार फिर से फंसाया जाए। बता दें इसी बीच में आपको कि मनीष दुबे ने अपनी पत्नी के खिलाफ भी जो डाइवोर्स है वो फाइल किया था। डाइवोर्स का भी क्या हुआ, क्या फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स के कोई अर्जी जो लगाई गई थी उस पर कोई निष्कर्ष निकला है, इसकी कोई भी रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। इसी बीच में यह भी बता दें कि जल्द ही फैमिली कोर्ट में यह भी फैसला आ जाएगा कि आखिर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का डाइवोर्स होता है या फिर नहीं। फैमिली कोर्ट में कुछ ही दिनों में यह फैसला आने वाला है। दावा यह किया जा रहा है कि समझौते के तहत ज्योति मौर्य अपना मामला वहां पर भी वापस ले सकती हैं। अब देखना यह है कि ज्योति आगे क्या करती हैं और इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से अपना रुख रखती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहें नेक्स्ट टाइम लाइव।